सोलापूर जिल्ह्यातील 11 विधानसभा निवडणुकीसाठीची मतदान प्रक्रिया काल पार पडली आणि या मतदान प्रक्रियेनंतर काही कार्यकर्त्यांनी आपलाच उमेदवार विजयी होणार असा दावा करत आनंदोत्सव साजरा केलाय. सोमवारी मतदानाचा दिवस होता. शहरात 64.26% इतकं मतदान झालंय. सकाळी पाऊस होत असल्यानं सकाळी नागरिक घराबाहेर पडले नाहीत असं चित्र होतं. पण जसा पाऊस थांबला तेव्हा नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मतदान केंद्रांवर दिसून आलाय. इकडे विजापूर नाका झोपडपट्टी येथील MIM चे कार्यकर्ते मतदान संपल्यानंतर जल्लोष करताना पाहावयास मिळाले. यंदा शहर मध्यमधून पतंग उडणार असा विश्वास जुबेर शेख यांनी व्यक्त केलाय. मतदान का 18 साल के बाद हर को मतदान का हक होता है, तो इसी तरह आज सबने मतदान के अपना हक दिया है और अपना प्रतिनिधि लोग असेंबली में भेजने का तय किया है. और सोलापुर शहर मध्य 249 जैसे कि ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट मुस्लिम फारूक भाई शाब्दी जो यहाँ के शहर मध्य के हकदार है और इतने साल से हम गुमराहे हम हर समाज के लिए और जैसा डेवलप होना था वैसा नहीं हो चुका है. इस बार हम नौजवान या तो फिर हर एक ना कोई समाज का जिम्मेदार हो या तो तबके का या तो अपने मोहल्ले का जिम्मेदार हो, तो ये बार देखा है कि फारूक शाब्दी एक कुछ तो उम्मीद है उनसे. ये आदमी कुछ करेगा और एजुकेटेड आदमी है, तो सब ने उनका साथ दिया है और आने वाले इंशाल्लाह 24 तारीख को उनकी कामयाबी का रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा अपने को. अभी मेहनत तो करेंगे इंशाल्लाह, हम सब जन मिलकर दुआ भी करेंगे और कामयाबी का इंशाल्लाह 24 तारीख को सब इंशाल्लाह जश्न मनाएं. दरम्यान यावेळी कासिम अली शेख, नाहिद शेख, मुस्तक मुल्ला, जुबेर सय्यद, सद्दाम शेख, मोहम्मद अली शेख, सोहिल शेख आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.